हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हम सबसे पहले करेंगे, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इफ़ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमें कोई भी वाई फंक्शन दिया है एक्स का, तो देन डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज इन वाई। जो वाई में रेट ऑफ चेंज है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई पूछता है वाई ये दिया हुआ है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वाई का वो क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज इन वाई। जो वाई में रेट ऑफ चेंज होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जो फॉर्मूले जैसे टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमको याद होने चाहिए। तो एक बार उनको और रिवाइज कर लेते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिक बेसिक ये हमें पता होना चाहिए, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूब। जो क्यूब होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अगर साइड ए है तो मीन्स हमने माना साइड ए है तो 6a² हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर साइड इतनी है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। क्यूबॉइड का होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, 2lb + bh + hl जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, l × b × h होता है उसका वॉल्यूम। उसके बाद आता है सिलेंडर, जो थर्ड नंबर पे वो है सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πrh + πr² और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr² × h होता है इसका वॉल्यूम। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है कोन, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, वो होता है πr² + πrl कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, 1/3πr² h इसकी वॉल्यूम होती है। तो जो लास्ट होता है, लास्ट आता है वो है स्फीयर। स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। तो आपको जो ये सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन या स्फीयर आपको दिया हो तो आपको उसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम आपका पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है और उसमें अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप आगे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका लेके देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cm². हाउ फास्ट इज़ दी सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन दी लेंथ ऑफ एन एज इज़ 10 cm। तो हमको गिवन किया है इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cm² से उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है। तो वॉल्यूम का जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, dv/dt, वॉल्यूम है इसलिए dv/dt आ जाएगा। वो उसका आंसर कितना है, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है 9 cm². तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इससे पहले हम बताए इसीलिए हमने आपको वो सबसे पहले आपको बताया, वॉल्यूम होता है x³। तो x³ वी की जब हमने x³ हमने यहाँ पे रख दिया तो d/dt(x³)=9। तो x³ का हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3x² dx/dt = 9। तो यहाँ से हमने dx/dt जो हमें हुई है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जो पहली वाली हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये dx/dt हमको फाइंड आउट हो जाए इसीलिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद इसने पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 cm। तो अब उसने पूछा है सरफेस एरिया का जो एरिया इंक्रीज कितने उससे होगा, तो यहाँ पे उसने हमसे पूछ लिया dS/dt, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस, dS/dt। तो हमें पता है यहाँ पे इसने पूछा है dS/dt एट x=10। तो हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है वो क्यूब का वो होता है 6x²
सिक्स एक्स स्क्वायर, या जो एक्स हमने यहाँ पे माना है इसका जो एज है 6 × x² तो हमने एक्स एस को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एस बाय डी टी क्या होगा 6 × 12 x dx/dt, क्योंकि डी एस बाय डी टी डी टी के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफरें एस को डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी, और डी एक्स बाय डी टी हमें यहाँ पे पहले हमने निकाल लिया इसीलिए हमको ये डी वी बाय डी टी दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने डी एक्स बाय डी टी हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हम उसे पुट कर देंगे 12 × 10 जो हम एट एक्स इक्वल टू 10 पे पूछा है, 10 × 3/x² मीन्स 100, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 cm². तो यहाँ पे हमने आपको बताया रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए जो कि आपको याद रखने हैं, इन्हीं पर जो क्वेश्चन होता है वो बनता है, और उसके बाद एक एग्जांपल हमने आपको बताया, ये एग्जांपल आप ज़रूर करके जाएं, ऐसे क्वेश्चंस उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।